हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। वो है ऑटो साइकिल के बारे में और उसकी एफिशिएंसी कैसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑटो साइकिल होता क्या है। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में, जिसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। ये चारों स्ट्रोक जो है पार्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूट होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये ऑटो साइकिल पे वर्क कर रहा है तो कौन से प्रोसेस में क्या हो रहा है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये 4 स्ट्रोक इसमें होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इसे हम समझने के लिए पीबी और टीएस डायग्राम को समझ रहे हैं, मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। तो इनिशियली जब आपका मतलब वर्किंग शुरू होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो पिस्टन रहता है आपका बॉटम डेड सेंटर पर रहता है। कौन से पोजिशन पर? आपका इस वाले पोजीशन पे रहता है। तो जैसे ही हम किक लगाते हैं तो किक लगाने से क्या होता है, पिस्टन मूव होके टॉप डेड सेंटर पे चला जाता है। तो ये हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो पिस्टन के ऊपर फ्यूल है और एयर है, उन सब का मास जो है वो 1 kg, हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं। और जब इनिशियल स्टेट पे जब पिस्टन है तो वहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हमारा है P1 V1 T1। अब जब ये टॉप डेड सेंटर पे पहुँचेगा तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होके P2 V2 T2 पे आ जाएगा, जो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 1 से 2 में हमारा जो हुआ वो एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे पहुँच रहा। तो उस दौरान कंप्रेशन होने से क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज होके V2 आगे पे आ गया, प्रेशर इंक्रीज होके P2 पे आ गया और टेम्परेचर T2 पे आ गया। अब जैसे ही 2 पोजीशन पे पहुंचने वाला रहता है, मतलब पिस्टन और टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने वाला रहता है, तो उस दौरान क्या करता है, स्पार्क प्लग क्या करता है, हीट सप्लाई मतलब स्पार्क जनरेट करता है। तो जिस दौरान फ्यूल जो है Q1 अमाउंट ऑफ हीट गेन करता है, तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट जैसे ही गेन करता है तो उस दौरान प्रेशर उसका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है तो उस दौरान उसमें क्या होता है कि प्रेशर चेंज होके P2 से P3 पे आ जाता है और वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहता है। उस दौरान वॉल्यूम सेम रहता है और टेम्परेचर जो है टेम्परेचर चेंज होके वो T3 पे आ जाता है। अब जैसे ही अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है तो प्रेशर डेवलप होने से क्या होता है, पिस्टन को वापस वो कहाँ पे पहुँचा देता है, बॉटम डेड सेंटर पे, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कहाँ पे आ जाएगा, आपका इस फिगर में देख सकते हैं हम क्लियरली इसको कि जैसे ही ये यहाँ पे इनिशियल हमारा पहुँचा BDC से TDC पे, स्पार्क प्लग जनरेट किया, तो इस दौरान क्या होगा, प्रेशर बढ़ा। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, पिस्टन को वो प्रेशर पिस्टन को नीचे की ओर फॉरवर्ड करेगा, तो यहाँ पे ये वापस ये बॉटम डेड सेंटर पे आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें जो है वापस प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों जो है वो चेंज हो रहा है। तो चेंज होके आपका वो कितना पे आ जाएगा, ये P3 V3 और T3 से चेंज होके P4 V4 T4 पे आ जाएगा। अब जैसे ही ये बॉटम डेड सेंटर पे पहुंच गया तो इस दौरान हमारा एक्चुअल जो वर्क मिलना था वो मिल चुका है अब, और जो पिस्टन के ऊपर जितने भी फ्यूल है वो जल चुके हैं। तो अब उस फ्यूल को हमें क्या करना है, वो बाहर निकालना है। तो इस दौरान क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होके वहाँ से अब उस वाल्व के थ्रू जितना भी जला हुआ फ्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। तो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो फ्यूल हमारा बाहर निकल रहा है वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा है सिस्टम के थ्रू। तो जो लॉस हो रहा है तो वहाँ से हम Q2 कितना हो रहा वो निकाल लेंगे, और हीट सप्लाइड जो जितना हो रहा वो हम निकाल के उसके बाद एफिशिएंसी हम काफ़ी आराम से डिराइव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 4 प्रोसेस है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1। इस दौरान जो भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ। अब हम डायरेक्ट आते हैं कि एफिशिएंसी हमें निकालना कैसे है। तो एफिशिएंसी का ऑलरेडी फार्मूला होता है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और आउटपुट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट, और आउटपुट हमारा यहाँ पे वर्क है और इनपुट हमें Q1 हीट सप्लाइड मिल रहा है इंजन को। तो हम यहाँ पे वर्क निकाल लें और हीट सप्लाइड निकाल लें, तो आराम से निकाल सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो यहाँ पे हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो एयर है वो 1 kg का है।
तो हीट सप्लाइड इस दौरान क्या होगा, तो हीट सप्लाइड जो रहा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो और टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो T2 to T3 हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 to 3 जहाँ पे हीट सप्लाइड हो रहा है वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होकर T2 से T3 हो रहा है। तो हीट सप्लाइड का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू CB × T3 − T2। अब नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो निकालना है हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्टेड कहाँ पे हो रहा, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हो रहा, पर ये 4 to 1 वाले प्रोसेस में हो रहा, और 4 to 1 वाले प्रोसेस में हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं जो टेम्परेचर है वो T4 से T1 में चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू CB × T4 − T1। तो इस दौरान वर्क डन क्या निकल जाएगा, Q1 − Q2, मतलब हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो ये आपका हो गया CB × T3 − T2 − CB × T4 − T1। तो एफिशिएंसी के ये जो सारे वैल्यूज है वो यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं, तो वर्क डन हो गया CB × T3 − T2 − CB × T4 − T1 / हीट सप्लाइड CB × T3 − T2। अब यहाँ पे CB पूरे का पूरा नमरेटर और डिनोमिनेटर का वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू हमारा बच गया 1 − T4 − T1 / T3 − T2। अब हमें क्या करना है, T4 और T1 को ज्यों का त्यों छोड़ना और T3 और T2 को T4 और T1 में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हमें चारों प्रोसेस को बारी बारी से स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस 1 से 2 को समझ रहे हैं। तो प्रोसेस 1 से 2 में क्या हो रहा, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा, तो कंप्रेशन के दौरान जो है वॉल्यूम V1 से डिक्रीज होकर V2 पे आ रहा है। तो हम ये मान के चल डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे कि कंप्रेशन रेशियो जो होगा वो RC है, तो RC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V1 / V2। और नेक्स्ट जो हो रहा वो आपका हम कंसीडर करके कर रहे हैं 3 to 4 वाले प्रोसेस में, तो 3 to 4 में हो रहा वो एडियाबेटिक एक्सपेंसन हो रहा। तो यहाँ पे हम एक्सपेंसन रेशियो को RE से डिनोट कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ RE इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम V4 है और इनिशियल वॉल्यूम V3 है, तो RE इज इक्वल टू लिख सकते हैं V4 / V3। अब यहाँ पे हमें पता है कि V3 और V2 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है और V4 और V1 कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो दोनों को वैल्यू क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को RC इज इक्वल टू RE को हम R कंसिडर करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो RC और RE है, मतलब कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो, इससे हमें टेम्परेचर के टर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो हमें पता है कि ये दोनों कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो रहा वो एडियाबेटिकली हो सकता है, हो रहा है। तो यहाँ पे हम 1 से 2 वाले प्रोसेस में एडियाबेटिक प्रोसेस का रिलेशन यूज कर सकते हैं। ये एडियाबेटिक प्रोसेस का रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं T2 / T1 = V1 / V2 / γ − 1। तो यहाँ से T2 = हम ले आएंगे T1 × R·γ − 1। R यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि V1 / V2 जो है वो है कंप्रेशन रेशियो, तो T2 हमारा T1 के टर्म में आ गया। अब इस सिमिलरली हम एक्सपेंशन रेशियो मतलब 3 to 4 वाले प्रोसेस को कंसिडर करते हैं, और 3 to 4 प्रोसेस जो है वो भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T3 = T4 × V4 / V3 / γ − 1, और V4 / V3 जो है वो भी आपका एक्सपेंशन रेशियो, और एक्सपेंशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो यहाँ सेम है और उसको हम डिनोट कर रहे हैं R से। तो T3 = हो गया T4 × R·γ − 1। अब इफिशियंसी का फॉर्मूला हम आराम से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नमरेटर का जो वैल्यू है यहाँ पे N = 1 − T4 − T1, इसको ज्यों का त्यों छोड़ दे रहा है, T3 और T2 को हम T4 और T1 के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो T2 = ऑलरेडी हमें पता हो गया T1 × R·γ − 1, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, और T3 = T4 × R·γ, वो यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं। अब ये पुट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, T4 और T1 को कॉमन ले लिए डिनोमिनेटर में, तो बाकी वैल्यू आपका R·γ − 1 बच गया। अब T4 T1 नमरेटर और डिनोमिनेटर में वो दोनों कट जाएगा, तो फाइनल जो वैल्यू आ गया वो N = 1 − 1 / R·γ − 1, जहाँ पे R क्या है आपका, इसको हम लिख सकते हैं N = 1 − 1 / R·γ − 1। तो गामा यहाँ पे क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स है जिसका वैल्यू हम 1.4 लिख सकते हैं। तो जैसे कुछ नमेरिकल्स वगैरह इस पे आता है, तो नमेरिकल्स में आपको डायरेक्टली क्या निकालना है, कंप्रेशन रेशियो निकालना है, कंप्रेशन रेशियो निकल जाएगा तो आराम से इफिशियंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑटो साइकिल की इफिशियंसी को फाइंड आउट। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।